नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान शैक्षिक सत्र से हाई स्कूल विहीन पंचायतों में नौवीं की पढ़ाई प्रारंभ करने को लेकर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के 32,916 पद सृजित किए थे। ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद होने की वजह से विभाग ने हाल ही में संकल्प जारी कर केंद्र और राज्य सरकार के स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षकों को इन स्कूलों में संविदा पर नियोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं विभाग ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा पर नियोजित होने से पूर्व शपथ पत्र देना होगा। उनसे लिए जाने वाले शपथ पत्र में यह वचनबद्धता दर्ज होनी चाहिए कि वे इस नियोजन को लेकर भविष्य में कोई अन्य दावा नहीं करेंगे। हालांकि ऐसे शिक्षकों के कार्य असंतोषजनक होने पर एक माह पूर्व सूचना देकर या एक माह का मानदेय देकर उनकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक संविदा पर हाई स्कूल व प्लस टू में रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखे जाने को लेकर संकल्प तो जारी कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल यह तय नहीं है कि इनके नियोजन की कार्रवाई कब आरंभ होगी। अच्छी बात यह है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा पर रखे जाने के लिए पहली बार राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि राज्य मुख्यालय से ही विज्ञापन भी जारी होगा। सेवानिवृत्त शिक्षकों को आवेदन में पदस्थापना के लिए इच्छित जिले की जानकारी देनी होगी। इसके बाद मुख्यालय से उनके आवेदन संबंधित जिले में भेज दिए जाएंगे। जिले में डीईओ की अध्यक्षता में एक पैनल निर्माण समिति गठित की जाएगी। इसमें डीपीओ स्थापना, डीपीओ सर्व शिक्षा सदस्य और डीपीओ माध्यमिक सदस्य शामिल होंगे। वहीं पैनल का निर्माण विषयवार होगा। इसे तैयार करने में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के मुताबिक आरक्षण नियमों का अनुपालन होगा। बता दें कि संविदा पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 900 रुपये रोजाना जबकि अधिकतम 22,500 रुपये एक माह के लिए तय किया है। मिली जानकारी के अनुसार संविदा पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को महंगाई, चिकित्सा, आवास, परिवहन समेत कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा। गौरतलब है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी होने के चलते अब हाई स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षक पढ़ाएंगे। इनकी बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। बताया जा रहा है कि 32,916 शिक्षकों की बहाली तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। हाई स्कूलों के रूप में अपग्रेड हुए 2,678 विद्यालयों में रिटायर्ड शिक्षकों को संविदा के आधार पर रखा जाएगा। ये शिक्षक केंद्र और राज्य सरकार से सेवानिवृत्त शिक्षक होंगे। इन्हें 900 रुपये प्रति क्लास के साथ एक महीने में अधिकतम 22,500 रुपये दिए जाएंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज की ओर से जानकारी दी गई है। हाईकोर्ट द्वारा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर रोक लगाए जाने के बाद शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग ने यह अनोखा निर्णय लिया है। बताते चले कि चयन के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। साथ ही उन्हें बिहार राज्य का निवासी होना आवश्यक होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता बीएड की योग्यता रखनी होगी। चयन 2 वर्षों के लिए या फिर उक्त पद पर शिक्षक नियोजन होने तक के लिए होगा। इस हिसाब से अगर शिक्षक नियोजन पहले हो जाता है तो सेवा 2 वर्ष से पहले भी समाप्त की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार एक एक साल की उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत दिया जा सकेगा। साथ ही यह सेवा अधिकतम 67 वर्ष की आयु तक के लिए होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।